Here is the question. The element indium is to be obtained by electrolysis of molten halide of the element. Passage of a current of 3.20 ampere for a period of 40 minutes results in the formation of 3.05 gram of indium. What is the oxidation state of indium in the halide melt? Atomic mass of indium is 114.8. आपको in short यहाँ पर oxidation state बतानी है indium के लिए. आपने क्या लिया है कि इंडियम का हैलाइड लिया है, ठीक है, मेटल हैलाइड लिया है मोल्टन फॉर्म में, उसको क्या किया है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है, तो 3.05 ग्राम क्या हुआ इंडियम आपका डिपॉजिट हो चुका है. तो सिंपल सी चीज देखो, आपने कोई सॉलिड कोई सब्सटेंस लिया और उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो तो यहां पर फैराडेस फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है. तो फैराडेस फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी वेट डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड के ऊपर वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट इनटू करंट इनटू टाइम अपॉन कितना हो गया 96500 कूलम. समझना, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी आपको, ठीक है. देखना वेट कितना डिपॉजिट हुआ है, 3.05 ग्राम डिपॉजिट हुआ है. इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा उसका, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, इंडियम के लिए बात करना तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 114.8 अपॉन एन फैक्टर. आपको तो कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि एन फैक्टर मोस्टली क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्ज है वही क्या होता है मोस्टली उसका एन फैक्टर होता है. जैसे मैं बोलूं कि सीएल माइनस, तो सीएल के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस का वन है, तो यही क्या होगा इसका एन फैक्टर होगा. एच प्लस, हाइड्रोजन में कितना चार्ज है, प्लस वन, तो वन क्या हो गया इसका एन फैक्टर हो गया. तो ऑलमोस्ट एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्ज होता है, एक आयन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही क्या होता है उसका एन फैक्टर होता है, और जो एन फैक्टर है वही क्या होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी. तो हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है. इनटू कितना हो गया यहाँ पर 96500 कूलम, ऊपर कितना हो गया करंट, कितना हो गया करंट, कितना बोला है इसने 3.20 एम्पियर, इनटू टाइम बोला है 40 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इनटू कितना कर दोगे सेकंड कर दोगे. बस अब आपको अगर एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो यहां पर क्या करना है, इसे सॉल्व करना है. कितना हो जाएगा 114.8 इनटू 3.20 इनटू 40 इनटू 60 अपॉन 3.05 इनटू 96500 कूलम. इसे आप सॉल्व कर लेना, आपके पास एन फैक्टर अप्रोक्स आएगा ये अप्रोक्स आएगा 3. तो हियर इज योर आंसर एंड चेक कर लेना ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन.